खमा गणी साहब, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शोभा भाई सास फैमिली में। एंड दो दिन से व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी ही नहीं, पूनम की, रिंकू भाई साहब की, सबकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी एंड पेट में बहुत ज़्यादा पेन था। शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया था हमने, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो इसीलिए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया है और आज मैं व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ जो कि दो तीन दिन पहले ही हमने बना लिया था। वही ये व्लॉग है। आज हमारा मेकअप होगा, मतलब आज मेरा मेकअप होगा जो कि सोनू भाई सा करेंगे। वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि उनको कैसा मेकअप आता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और हमारे आसपास अगर आप मेकअप करवाना चाहते हैं तो आप उनसे मेकअप करवा सकते हैं। वो बहुत पार्लर से बहुत कम प्राइस में आपका मेकअप कर देंगे। वो वैसे पार्लर में जॉब करते हैं लेकिन वहाँ अगर आप मेकअप करवाएंगे तो वहाँ आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप घर पर भी वो मेकअप करवा सकते हैं तो उसमें आपको थोड़ा प्राइजेज में कम ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ सब। ये देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट इनके पास हैं। तो मेरा मेकअप स्टार्ट कर दिया है सोनू भाई साहब ने एंड ये सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेसिकली मुझे हर कहीं का मेकअप पसंद नहीं आता है क्योंकि मैंने एक दो जगह से पहले मेकअप करवाया था, उन्होंने इतना घटिया मेकअप किया था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन इन्होंने जो मेकअप किया था ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैंने फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा है। बहुत लाइट वेट फील हो रहा था, बहुत अच्छा मेकअप इन्होंने किया था। और मतलब इनके जो प्रोडक्ट है ना, वो भी बहुत अच्छे यूज़ करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये सोनू भाई साहब मेरे मामेर ससुर जी हैं ना, उनकी बेटी हैं और ये दिल्ली में रहते हैं और मतलब बहुत अच्छा मेकअप वगैरह ये कर देते हैं। पार्लर का सारा काम इनको आता है। ये अभी कहीं जॉब करते हैं क्योंकि इनको अपना थोड़ा हाथ जो है साफ़ करना है। उसके बाद ये खुद पार्लर खोलेंगे, उसके बाद हम आपको अपने पार्लर का विज़िट करवाएँगे। बहुत ही अच्छा मेकअप वगैरह सब कुछ वहाँ आपको मिल जाएगा। तो अभी मेकअप हमारा हो चुका है स्टार्ट। और अभी हमारा कैमरामैन जो है नहाने गया हुआ है नीचे, तो जैसे ही नहा के ऊपर आएगी उसके बाद हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तब तक आप ऐसी ही छोटी मोटी क्लिप से काम चला लीजिए। तो फाइनली हमारा कैमरामैन ऊपर आ चुका है नहा के और अब आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि किस तरह से सोनू भाई साहब हमारा मेकअप करते हैं। और सोनू भाई साहब बहुत ही क्यूट एंड स्वीट है, इन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया। तो इनका हाथ जो है ना, बिल्कुल हल्का है, जैसे किसी का तो ना ऐसे लगता है कि बस आँख में ही घुसा देंगे ब्रश वगैरह को, लेकिन इनका हाथ इतना लाइट वेट हाथ है, जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि मेकअप हो रहा है हमारा। वरना एक दो जगह मैंने करवाया था ना, तब ऐसा लग रहा था कि बस आँख में घुसा देंगे ब्रश को, लेकिन इतना लाइट वेट चला रही थी हाथ अपना, मुझे पता ही नहीं चला था कि ब्रश यूज़ कर रही हैं। तो सबसे पहले हमारा आई मेकअप होगा, वो हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे हमने ड्रेस पहना है उस हिसाब से ये मेकअप कर रहे हैं और अभी ये मेकअप सीख ही रहे हैं। मतलब वैसे तो बहुत अच्छा आता है इनको, मेरे हिसाब से तो ये मैंने इनको 5 स्टार दे दिए थे क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका मेकअप। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ये करते रहते हैं ट्राई घर पर भी कि इनको अच्छे से हो जाए, जैसे कोई कमी रह जाए कहीं तो फिर वो सुधार लें उसको। तो इस वजह से ये घर पर भी बैठ के जब भी कोई इनको मिलता है ना, ये उसी का मेकअप करने बैठ जाते हैं। तो अभी मैं थी तो कब से बोले थे भाभी साहब मैं आपका मेकअप करूंगी, भाभी साहब मैं आपका मेकअप करूंगी। तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, जिस दिन हम फ्री होंगे ना उस दिन मेकअप करवाएंगे। तो आज इनकी छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज मेकअप कर दो आप हमारा, फिर हम लोगों को निकलना भी है। तो इसीलिए ये मुझे लेके बैठे और मेरा मेकअप कर रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लगा और बोले वाओ आपकी आईज बड़ी बड़ी है ना, बड़ा मजा आएगा मेकअप करने के लिए। तो अभी बड़े मजे से मेकअप कर रहे हैं हमारा।
और मुझे पता नहीं था कि सोनू भाई साहब को इतना अच्छा मेकअप करना आ गया है, क्योंकि जिस टाइम मैं पहले दिल्ली आई थी ना तब ये सीख ही रहे थे काम, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इनको मेकअप इतना अच्छा आता है। तो अगर अच्छा पता होता ना मुझे तो मैं 2-3 पोशाकें लाती और पोशाक पहन के मैं मेकअप करवाती, लेकिन यहाँ तो पोशाक लाई नहीं थी मैं, बिल्कुल सूट वगैरह ही लाई थी। तो जो हमें मिला ये सोनू भाई से एक ही ड्रेस पहने पहनी हुई है, तो इन्होंने बोला भाभी साहब ये पहन लो अच्छी लगेगी, इस वजह से मैंने ये ड्रेस पहन के ही मेकअप करवा लिया था। मैंने सोचा अगर मेकअप हो रहा है तो क्यों ना फोटोशूट भी करवा लेंगे और व्लॉग भी बना लेंगे आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस पहन के और उसके बाद मेकअप करवा लिया। और मुझे सच में बहुत दुख हुआ, काश मैं ये मेकअप पोशाक में करवाती, बहुत अच्छा लगता पोशाक में ये मेकअप। और अगर आप भी वाइसा से मेकअप करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको इनके नंबर दे दूँगी, आप घर पे जाके आराम से बैठ के मेकअप करवा सकती हैं एंड बहुत कम प्राइस में मेकअप कर देंगी, क्योंकि इनको भी अभी बहुत ज़्यादा सीखना है, मतलब इनको बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है। वैसे ये बन चुके हैं लेकिन अभी इनको और सीखना है, तो इस वजह से ये थोड़ा कम प्राइस में भी मेकअप कर देंगी, पार्लर से आपको काफ़ी कम में ये मेकअप कर देंगी। तो आप करवाना चाहते हैं इनसे मेकअप तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको इनके नंबर दे दूँगी, उसके बाद आप करवा सकते हो मेकअप। एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ये यूज़ करती हैं, तो आप बेफिक्र होकर मेकअप करवाना, आप ऐसा सोचो कि नहीं घटिया क्वालिटी के यूज़ करेंगे इस वजह से मेकअप सस्ता करके, आप खुद देख लेना उसके बाद मेकअप करवा लेना। तो हमारा आई मेकअप हल्का हल्का हो चुका है, अभी बहुत कुछ बाकी है आईज़ में करना, तो सोनू भाई साहब सामान वामान निकाल रहे थे तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटे से क्लिप बना लेती हूँ खुद ही बैठ के। एंड हमारा आई मेकअप हो चुका है डन, इसके बाद फेस मेकअप की बारी आती है, और बहुत अच्छा मेकअप किया था इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आईज़ देख लो आप कितनी सुंदर लग रही है, एकदम ग्लिटरी आईज़ लग रही है। और जो आई लेशेज हैं वो भी मैंने फर्स्ट टाइम लगवाई है आई लेशेज, क्योंकि मेरी आई लेशेज ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि जब भी मैं पार्लर जाती हूँ ना मुझे सब ये बोलते कि नहीं मैम आपको नीड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे था कि नहीं मैं एक बार तो लगवाऊँ आई लेशेज, इसलिए मैंने इनको बोला कि भाई साहब लगा दो, तो इन्होंने लगा दी, तो बहुत बड़ी लग रही थी लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी तो इसलिए मैंने लगवा ली। इसलिए मेरी आईज़ थोड़ी सी काली ज़्यादा लग रही है क्योंकि आई लेशेज थोड़ी बड़ी है ना इस वजह से, लेकिन मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि फाइनल लुक कैसा था। एंड ये देखिए मेकअप हमारा हो चुका है, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेकअप कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मेकअप, आईज़ का मेकअप इतना शानदार था, मैंने फर्स्ट टाइम इतना हैवी मेकअप करवाया और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हेयर स्टाइल अभी बाकी है, तो हेयर स्टाइल होने के बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे, और मेकअप करके मेरा दिल खुश हो गया इसलिए मैं डांस कर रही हूँ अभी, बहुत अच्छा लगा मुझे मेकअप। थैंक यू सो मच सोनू भाई साहब, यू आर सो स्वीट। एंड जब मेरा मेकअप हो रहा था ना अर्शु रोने लग गया, तो मैंने पूनम को ये बोला कि तू अर्शु को संभाल, तो ये अभी इसको झूला 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 रही है बैठ के, और ये इधर हमने एक गद्दा लगा रखा है एक मरीजों के लिए, और ये एक मरीज इधर इस कम्बल में सोया हुआ है, ये रहा ये एक मरीज जो मेकअप कराने आया था लेकिन बीमार हो गया तो यहाँ पे दम लेट हो गया। एंड अभी हमारा हेयर स्टाइल हो रहा है, ऑलमोस्ट डन है, बस आगे के कुछ हेयर्स है जो कर्ल करने हैं, उसके बाद फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे।
आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट।